स्वागत है चैनल पे लसन होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे जो इफिशियंसी है, ठीक है, उसके लिए टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन पूछ बोलता है कि उसकी इफिशियंसी वो इतनी है, ठीक है, तो आप उसकी भी रिस्पेक्ट पढ़ेंगे। अगर आपने मेरी पहले पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आगे चेकआउट कर देते हैं ताकि आपकी जो अभी के कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो सकें, वो थोड़ा ब्रशअप हो सकें। ठीक है, नहीं तो आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो इफिशियंसी है, ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और कैसे हम उन क्वेश्चन को टिकआउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दे रखा है कि ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। ठीक है, जो ए पर्सन है वो दोगुना अच्छा है, ठीक है, बी से, एंड टुगेदर दे फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। साथ में वो 14 दिन में काम करते हैं। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क, ठीक है, ये अकेले कितने दिन लगेगा उसका काम पूरा करना है, ठीक है, पूरा काम उसे फिनिश करना है। तो बेसिकली हमको ए का नहीं पता है, लेकिन हमें पता है कि टुगेदर वो 14 दिन के अंदर काम कम्प्लीट करते हैं। ठीक है, तो ए इसका क्वेश्चन देखा है कि ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। ठीक है, तो ये दोगुना अच्छा है, तो 2:1 ही दिया। ठीक है, 2:1 ही दिया। देन तो एक दिन के अंदर कितना काम कर सकते हैं दोनों मिलके, वो 3 काम करते हैं, 3 वर्क करते हैं। ठीक है, तो और साथ में वो 14 दिन के अंदर फिनिश करते हैं, मतलब 42 वर्क है टोटल। ठीक है, और अगर हम कह रहे हैं कि ए की जो इफिशियंसी है, जो काम करने की क्षमता है एक दिन में, वो 2 है, और बी की 1 है, तो 2 के हिसाब से अगर हम ए का मानने चलाएँ तो 2 के हिसाब से 21 दिन लगेंगे एक वर्क के लिए। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, सेम वही चल रहा है, बस यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ उसने एक ही चीज़ देखी है कि ए और बी का साथ में कितने दिन में कर रहा है, उसने दूसरा दिया ही नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है उसके हिसाब से हम लिख के चलेंगे उसमें, लेकिन यहाँ पर हमको डायरेक्ट दे दिया है उनकी जो इफिशियंसी है उसने डायरेक्ट दे दिया यहाँ पर 2:1। पहले हम क्या करते फाइंड आउट, जो फाइंड आउट कर रहे थे एलसीएम दिया, उसके बाद फिर पट्टी को डिवाइड करके हम उनकी जो पढ़ने के हिसाब से जो उनकी करने की क्षमता है वो मैं निकाली। ठीक है, यहाँ पर उसने हमें डायरेक्ट दे दिया क्वेश्चन में कि 2 का ए 2 गुना अच्छा काम करता है बी से। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन ये कि ज्योति कैन डू 3/4 ऑफ जॉब इन 12 डेज। ठीक है, तो ज्योति 3/4 जो काम है, ठीक है, वो 12 दिन के अंदर कर लेती है, और जो माला है, ठीक है, इज ट्वाइस एज इफिशियंट एज ज्योति। ठीक है, तो माला वो दुगनी इफिशियंट है ज्योति से। इन हाउ मेनी डेज विल माला फिनिश द जॉब। ठीक है, तो कितने दिनों में जॉब फिनिश करेगी, तो हमको पता है कि वो ज्योति 3/4 जॉब को 12 दिन के अंदर कर लेती है। ठीक है, तो पहले तो माला और हमने ज्योति रख दिया 2:1 आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि माला 12 इफिशियंट है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि ज्योति कितने दिन के अंदर काम को कम्प्लीट करती है, क्योंकि इसने देखा है कि 3/4 जो काम कर लेती है। ठीक है, तो हमें डेज नहीं पता है टोटल डेज कितने हैं। ठीक है, तो अब 12 दिन लिखा है, तो हम क्या करेंगे एक्स इंटू 3/4। ठीक है, यहाँ एक्स को हम ज्योति मान के चलेंगे कि ये नंबर ऑफ डेज हैं उसके, तो एक्स इंटू 3/4 बराबर 12, क्योंकि वो बोल रहा है कि 12 दिन के अंदर कम्प्लीट कर लीजिए 3/4 ऑफ वर्क। ठीक है, तो हमें 12 बराबर में रखा, तो काटा फिट करके इतना आ गया 16 दिन आ गया, तो ज्योति 16 दिन के अंदर काम कम्प्लीट करती है। ठीक है, हम एक्स मान कर लेंगे, ठीक है, एक्स का 3/4 12 दिन में। ठीक है, तो 16 तो वर्क है, ठीक है, सॉरी जो ये 16 आया है ना, ये वर्क है, टोटल वर्क है। ठीक है, जो ज्योति कम्प्लीट कर लेती है, ज्योति जो काम करती है 16 वर्क कर लेती है। ठीक है, तो कह रहा है कि माला, तो इन हाउ मेनी डेज द माला फिनिश द जॉब, तो माला कितने दिन के अंदर फिनिश करेगी, तो माला की जो करने की क्षमता है वो 2 है, तो 16/2 निकालेंगे, तो 8 दिन के अंदर माला कंप्लीट कर लेगा, कर लेगी उस काम को। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन हमारा। अब यहाँ देखा है कि ए काम करता है ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ठीक है, मतलब कि ए ज़्यादा इफिशियंट है, ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है बी की गुना, बी के कंपैरिजन में, इफ बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज। ठीक है, इंडिपेंडेंटली वो 12 दिन के अंदर कंप्लीट करता है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द ए एंड बी टुगेदर टू फिनिश द वर्क। ठीक है, अगर अकेला बी 12 दिन के अंदर काम करता है, तो ए और बी साथ में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो पहले तो हम फाइंड करेंगे कि जो टोटल वर्क है वो कितना है। ठीक है, तो हमने या तो 2:1 बना लिया, क्योंकि जो ए है वो 2 गुना इफिशियंट है, तो टोटल इसका 3 आ गया। ठीक है, अब वर्क कितना है उसको निकालने के लिए पहले हम बी का नंबर देंगे, तो बी का कितना काम करता है वो एक दिन में ही काम करता है, 12 दिन के अंदर उसने 12 काम किया होगा, तो मतलब 12 टोटल काम है। ठीक है, तो टोटल हमने 12/3 कर लिया, साथ में अगर इनको कंप्लीट करना है, ठीक है, तो 3 2+1 3, मतलब 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेंगे साथ में,
तुम्हारा ये आंसर आ गया सेकंड का, ठीक है। अब इसके अंदर हम सेकंड टाइप देखते हैं, वो बोला वर्किंग इफिशियंसी ऑफ पी एंड क्यू फॉर कंप्लीटिंग वर्क एज आर रेशियो 3:4, ठीक है। जो वर्किंग इफिशियंसी है पी और क्यू की, ठीक है, वो 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टू टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क इन रेशियो, तो जो नंबर ऑफ डेज होंगे, ठीक है, काम कंप्लीट करने के लिए वो कितने होंगे रेशियो में, ठीक है। तो इफिशियंसी अगर हम निकालें तो 3:4 है, ठीक है। अब टाइम कितना लेंगे, हम पता है कि जो इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा मतलब इफिशियंसी होता है, ठीक है। तो टाइम कितना लेंगे, 4:3 लेंगे, ठीक है। हमको हमने पढ़ा था, अगर स्टार्टिंग में वीडियो देखी होगी उसमें बच्चे पढ़ा था, टाइम का हमेशा उल्टा होता है इफिशियंसी के, ठीक है। इफिशियंसी का उल्टा होता है टाइम, तो ये पता होगा आपको। अब वो बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ डेज टेकन देम टू कंप्लीट द वर्क इन रेशियो, तो कितना टाइम लेंगे, 4:3। सिंपल, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ दिमाग लगाने जरूरत नहीं आपको, ठीक है। अब ये वो थर्ड टाइप है, ये बोल रहा है कि ए इज 2 डे वर्क इक्वल टू बी इज 3 डे वर्क, ठीक है। तो ए का जो 2 दिन का काम है वो बी के 3 दिन काम के बराबर है, ठीक है। मतलब ए जो जो एक जो इफिशेंसी है वो 3 होगी, तभी तो दुगना काम कर ले रहा है वो, ठीक है। इफ ए कैन कम्प्लीट वर्क इन 8 डेज, अगर ए 8 दिन का काम करता है तो बी कितने दिन काम करेगा। तो हमने यहाँ टाइम लिख दिया, टाइम देखा तो हमने यहाँ ए 2 दिन का करता है तो बी को 3 दिन लगते हैं। इफिशियंसी का उल्टा होती है, पर होगा 3, यहाँ 3 2 आ गया। ए 8 दिन के अंदर करता है तो 8 × 3, ठीक है। यहाँ टाइम हम टाइम निकाले तो हम 3 से इंटू किया, हमने इफिशियंसी से इंटू नहीं किया, याद रखना, हमें टाइम से इंटू किया, ठीक है। तो 3 × 8 तो 24 वर्क आ गया, ठीक है। तो अगर ए को कंप्लीट करना है उस काम को, सॉरी बी को कंप्लीट करना है उस काम को, तो 2 24/2 आ जाएगा, देन 12 दिन के अंदर काम कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया। अब यहाँ लिखा है कि ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी, ठीक है। ए दुगना काम करता है बी से, ठीक है। तो यहाँ पर पता है आपको 2:1 आ जाएगा, और जो इफिशियंसी है 1:2 हो जाएगी। इफ वी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंट इन 35 डेज, अगर बी अकेला 35 दिन तक वो काम कंप्लीट करता है, देन नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर, ठीक है। तो हमने जब फाइंड आउट किया तो हमें 3 टोटल आए, ठीक है। और हमें ये पता चला कि 35 दिन के अंदर काम करता है, तो हमें निकाला टाइम कितना टाइम लेता है, कौन बी कैन कम्प्लीट पीस ऑफ वर्क इन इंडिपेंडेंट इन 35 डेज, ठीक है। तो बी अकेला 35 डेज के अंदर कम्प्लीट कर लेता है उस काम को। तो बी एक दिन कितना काम करता है, देखो यहाँ पर हम यहाँ इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ इफिशियंसी की बात हो रही है। तो बी एक दिन में 2 काम कर लेता है, देखो यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। 35 × 2 = 70 वर्क करता है, ठीक है। ए अकेला 70 वर्क कितने दिन में करेगा, तो 70 दिन में काम कम्प्लीट करेगा। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। इस तरीके से हम ए का निकाल लेंगे, तो ए और बी साथ में कितने दिन में काम कम्प्लीट करेंगे, तो 3+1 3, देन 35/3। समझ में आया आपको। तो ए और बी साथ में 35/3 डेज में कंप्लीट कर देंगे काम को, ठीक है, सॉरी 75/3 के अंदर, ठीक है। कितना हो गया, 3×2=6, देन लेकिन अगर देखो ऑप्शन में आएगा तो इतना ही आएगा, 70/2, ठीक है, अगर दोनों साथ में काम करते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब देखो वही क्वेश्चन है, वही चीज़ चल रही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा चेंज कर दे रहा है। यहाँ के उसने बोल दिया, उसने बोला कि बाबू एंड आशा डू वर्क इन 7 दिन काम करते हैं, आशा इन 1, 3, 4 times, ठीक है, एज इफिशेंट है बाबू से, ठीक है। सेम जॉब आशा डन अलोन, तो अलोन कितने दिन में काम करेगी, कुछ नहीं करना है बाबू, मैं आपको 1 रखना है आशा के, उसमें 7/4 आ गया, 4 × 4 और +3 कितना हो गया, 7/4 आ गया। आपको पता है हमने क्वेश्चन बहुत करके रेशियो वाले, 4 सीधा चल जाएगा बाबू के पास, ठीक है। तो जो इफिशियंसी निकलेगी 4/7 निकलेगी, 4:7 निकलेगी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना कर रहे हैं साथ में, वो टोटल वर्क को 11 कर रहे हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोल रखा है कि जो बाबू एंड आशा डू जॉब इन 7 days, ठीक है, बाबू एंड आशा डू जॉब इन 7 days, आशा इज 1 times एज इफिशियंट एज बाबू, सेम जॉब आशा डन अलोन, ठीक है। तो वो अलोन कितने दिन में काम पूरा करेंगे, ठीक है। तो अब उनको पता है कि टोटल वर्क तो वो कितना करते हैं, 1 दिन के अंदर दोनों मिलके वो 11 काम करते हैं, और अगर 7 दिन के अंदर करते हैं तो कितना हो गया, टोटल आ गया हमारा 77, ठीक है। तो अब उसको देखो, हमें कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन में हमने एक पैटर्न चल रखा है, ठीक है। हमने रेशियो बनाया, रेशियो से अगर होता तो हम रेशियो से हम निकाले जो उसकी इफिशियंसी होती है, अगर इफिशियंसी होता है तो हम अगर टाइम पे होता है टाइम का रेशियो निकाल लिया, हमें याद रखना कि इफिशियंसी का उल्टा टाइम होता है, टाइम का उल्टा इफिशियंसी होता है, ठीक है। एक अगर क्वेश्चन आपको दे रखा है, दूसरा अपने आप फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब दूसरा हमको क्या करना है, उनका टोटल टाइम निकाल, टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कितना है। सेम हम ये काम वहाँ पर भी कर रहे थे जब इससे पहले हम, ठीक है, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ पर भी हम वही सेम काम करेंगे, बस करने का तरीका क्या है, उस टोटल उनकी जो इफिशियंसी है उसको प्लस कर दो,
जब टोटल इफिशेंसी आप प्लस करोगे तो क्या होगा, उनका टोटल नंबर ऑफ जितना काम कर सकते हैं एक दिन में वो पता चल जाएगा आपको। और क्वेश्चन में वो देगा ही आपको कि दोनों साथ में इतने दिन में काम करते हैं, या फॉर एग्जांपल एक इतने दिन में काम करता है तो उससे आपको इंटू कर देना, बस आपको कुछ नहीं करना है। इंटू जैसे आपने किया तो जो नंबर जो कितना काम है वो निकल गया, काम निकल गया तो जो वो पूछ रहा है कि आशा या बाबू या फॉर एग्जांपल कुछ भी पूछ रहा है, ठीक है, कि ए ने इतने दिन में काम किया तो बी कितने दिन में काम करेगा, कुछ नहीं आपको बस उसको डिवाइड कर देना उससे, नंबर ऑफ डेज निकल गए, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम यही हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो यार इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए यार बने रहो, ठीक है। और कमेंट करो कैसे लगी वीडियो को, समझ आया नहीं आया, ठीक है, नहीं आया तो भी लिखो क्या समझ में नहीं आया, उसमें इंप्रूवमेंट करने की हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात कि आपको प्लेसमेंट सेक्शन में जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, बहुत सारी वीडियो बना रखी है मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, ठीक है। और शॉर्ट लाइन में समझा रखा, ज़्यादा वीडियो को लंबी करने की कोशिश समझ बिल्कुल नहीं करिए, बस हमें ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि आपको समझ में आ जाए चीज़ें, ठीक है, कम से कम समय के अंदर। तो यार अगर मिलते हैं वैसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, टिल देन सी टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को, बिकॉज दूसरी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।